आप सबको मेरा प्यार भरा पैलाग। मैं अन्नू धानी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल अन्नू धानी ब्लॉग्स पर। अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा हो रखा है। अभी मैं आई हूँ यहाँ रोड में, अभी रोड में पहुँचने वाली हूँ। मतलब आज मौसी लोगों का वर्षाप जी की पूजा है और वहाँ सब चले गए पूजा के। वहाँ पर मैं ले चलती हूँ आपको कि कैसे वो वर्षाप जी की पूजा कर रहे हैं घर के। आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए, मैं दिखाऊँगी आपको कि हमारे गांव की औरतें और मौसी लोग कैसे वट सावती की पूजा कर रहे हैं करके। तो चलते हैं वट सावती की पूजा देखने के लिए। मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पर जहाँ पर पूजा कर रहे हैं औरतें। यहाँ पर कर रहे हैं पूजा और मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ कैसे पूजा कर रहे हैं करके। ये पंडित जी हैं और ये हैं, यहाँ पूजा हो रही है। ये है वट का वृक्ष का पेड़। इसके अतिरिक्त वो भी अपने विवाह के एक वर्ष बाद विधवा हो जाएगी। यह विधि का विधान है। ज्योतिषों की भविष्यवाणी सुनकर राजा पहुँचे कन्या और अपने राज्य की भविष्य चिंता ना पहुँचती हो। कालांतर में राजा के कन्या उत्पन्न हुई, वो समयानुसार बचपन जैसे युवा हुई और विवाह योग्य आयु भी हो गई। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर भी दुखी हो गए। वे ये विचारने लगे कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते देव प्रेरणा से राजा को नारद जी का स्मरण हो आया। धर्मात्मा राजा ने आह्वान कर नारद जी को बुलाया और सारी बातें बता दी। नारद जी कुछ पल विचार कर बोले, हे राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व तो उसी पर छोड़ दो। तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं ही कोई योग्य पर तलाश ले। किसी युवा को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे। तुम उसी के साथ अपनी कन्या का पूर्ण साथ हो लगे।
चुके हैं और अब सब घर को जा रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ घर। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आप सबको अपने न्यू ब्लॉग पर। बाय।